नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है? तो चलिए सुनते हैं कहानी नन्ही परी और गरीब लकड़हारा। परियों की एक अलग ही दुनिया थी, जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर पूरा शहर, जिसमें हर परी खुशी खुशी रहती थी। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। रानी परी ने सभी को एक छड़ी दे रखी थी, वही जादुई छड़ी थी। इसी छड़ी के जादू से ये पूरी दुनिया बसाई थी। पृथ्वी पर हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं थी। रानी परी को एक छोटी सी बेटी थी, खुशबू। वह पूरे दिन परीलोक में उड़ती रहती थी। खुशबू के पास एक छोटी सी छड़ी थी, जिसे वह जब भी ऊपर करके कहती, मुझे आसमान में ले चलो, तो वह आसमान में पहुंच जाती थी। ऊपर देखने पर परीलोक बहुत सुंदर नजर आता था। एक दिन खुशबू उड़ रही थी, तभी वह उड़ते उड़ते अचानक बादलों से ऊपर पहुंच गई। उसने नीचे देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे उसे केवल बादल ही नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह नीचे की ओर आती है तो देखती है वह परीलोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी है। खुशबू बहुत डर जाती है, वह वापस परीलोक जाने के लिए मुड़ती है। तभी वह एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। खुशबू को अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि उस छड़ी के खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियां भी कुछ देर में खत्म हो जाती। खुशबू जब नीचे आती है तो वहाँ एक घना जंगल था। खुशबू बहुत डर जाती है, वह एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब छड़ी नहीं मिलती, तब वह रोने लगती है। दूसरी ओर खुशबू के न मिलने पर रानी परी बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। खुशबू परी के रोने की आवाज सुनकर पास ही एक घर में एक लकड़हारे की पत्नी जाग जाती है। वह अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चल देता है। तभी उसका 5 साल का बेटा मोहित कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कहीं यह कुल्हाड़ी देखकर बच्चा डर ना जाए। दोनों बाप बेटे उस दिशा में चल देते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है, वह उसके पास जाने लगता है। तभी मोहित कहता है, रुको पिताजी मैं जाकर पूछता हूँ। लेकिन लकड़हारा कहता है, नहीं बेटा, कहीं इसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। मोहित कहता है, पिताजी वह कितनी परेशान लग रही है, मुझे जाने दीजिए। मोहित चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो, यहाँ कैसे बैठी हो और क्यों रो रही हो? खुशबू परी पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहित उसे रोकता है, रुको परी रानी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। खुशबू परी कहती है, माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। मोहित उससे कहता है, मेरी माँ कहती है कोई भी परेशानी में हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, वहाँ मेरे पिताजी खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह सुनकर खुशबू परी कहती है, मैं गलती से अपने घर से बहुत दूर आ गई, यहाँ मेरी जादुई छड़ी गिर गई है, जिसके कारण मैं घर नहीं जा सकती। मोहित खुशबू परी से कहता है, तुम हमारे घर चलो, वहीं रुक जाना, अभी तो रात है, हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। खुशबू परी उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देती है। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। तीनों घर पहुंच जाते हैं। मोहित की माँ छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है, खुशबू तुम हमारी मेहमान हो, यहाँ आराम से रहो, लेकिन सुबह अंदर ही रहना, नहीं तो किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। खुशबू बहुत खुश होती है। मोहित की माँ उसे खाना देती है, जिसे खाकर खुशबू कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अगले दिन सूरज निकलते ही मोहित अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती। शाम को दोनों थक हार कर घर आ जाते हैं। खुशबू यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है।
उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह रोने लगती है। मोहित और उसकी माँ उसे चुप कराते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे फिर से नई जगह छड़ी ढूंढने जाते हैं। जब उन्हें कहीं भी छड़ी नहीं मिलती तो वे अपने घर के लिए खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। लकड़हारा जब सामान खरीद रहा था तभी मोहित की नजर पास ही में सुनार की दुकान पर रखी एक छड़ी की ओर जाती है। वह सोने की तरह चमक रही थी। मोहित देखता है कि या तो बिल्कुल वही छड़ी है जैसे परी ने बताई थी। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। लकड़हारा सुनार के पास पहुंचता है। लकड़हारा छड़ी के बारे में पूछता है तो सुनार कहता है, भाई कोई इसे मेरे पास बेच गया है, सोने की है। लकड़हारा कहता है, लाला जी इसकी जो भी कीमत हो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सुनार उसकी बहुत ज्यादा कीमत मांगता है, जिसे सुनकर लकड़हारा कहता है, तुम इस छड़ी के बदले मेरा मकान और मेरी जमीन ले लो। सुनार मान जाता है। वह लकड़हारे से कहता है, कल मैं आऊंगा, तुम मकान खाली कर दियो, ये ले छड़ी। मोहित छड़ी लेकर बहुत खुश होता है। दोनों घर आ जाते हैं। मोहित खुशबू को छड़ी दे देता है। खुशबू छड़ी पाकर बहुत खुश होती है। खुशबू परी कहती है, आपने मेरी मदद की, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और आपसे मिलने आऊंगी। मोहित की माँ कहती है, ठीक है बेटी, हम भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हैं। तीनों मिलकर खुशबू परी को विदा करते हैं। खुशबू परी छड़ी की मदद से उड़कर बादलों के पार चली जाती है। उसके बाद तीनों बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका घर और जमीन चली गई थी। सुबह तक तीनों अपना सामान बांध रहे थे, तभी सुनार आ जाता है। तीनों एक बैलगाड़ी में अपना सामान रखकर वहां से चले जाते हैं। सुनार घर को अपने कब्जे में ले लेता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पास के ही जंगल में एक तंबू बनाकर रहने लगते हैं। दूसरी ओर जब खुशबू वापस परीलोक में पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। खुशबू अपनी माँ को सारी बात बताती है। दूसरे दिन खुशबू अपनी माँ रानी परी व अन्य लोगों के साथ मोहित और उसके परिवार से मिलने आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रानी परी अपने सिपाहियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। सिपाही ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें लकड़हारा और उनका परिवार मिल जाता है। वे तीनों को लेकर रानी परी के पास पहुँचते हैं। रानी परी को सारी बात का पता लगता है। रानी परी कहती है, तुमने मेरी बच्चे की जान बचाने के लिए, उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तब मोहित की माँ कहती है, महारानी जी हमने इसे अपनी बेटी माना था, ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसलिए इसकी खुशी से अधिक हमें कुछ नहीं लगा। रानी परी अपने सिपाहियों को भेजकर सुनार को छड़ी से दुगना सोना भेजकर मकान और जमीन छुड़वा लेती है। मोहित और उसके परिवार को वापस अपना घर मिल जाता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर में सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। रानी परी कहती है, ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। मोहित की माँ ने कहा, ये सब हमने किसी लालच में नहीं किया था। रानी परी बोली, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ और हाँ हम तुमसे मिलने आते रहेंगे, अब हमें जाना होगा। रानी परी खुशबू को लेकर चली जाती है। मोहित और उसका परिवार बहुत मजे से रहने लगता है। धन्यवाद।